हेलो एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया का कोई भी देश 100% परफेक्ट नहीं होता है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फीलिंग्स हम भारतीयों के अंदर में है अपने देश को लेके, ये फीलिंग्स शायद ही आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को मिलेगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जहां पे हमें ये मालूम पड़ता है कि हम भारतीय अपने देश के लिए लड़ने के लिए ज्यादा इच्छुक है एज कम्पेयर टू चाइना। महज ये बस एक लाइन का स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इस चीज के इमोशनल साइड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों अपने देश के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। ये आर्टिकल यूरेशियन टाइम्स का है। अगर आपके पास वक्त है तो आप इस आर्टिकल को जाके पढ़ सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी आर्टिकल में बताया गया कि किस तरीके से जापान, ताइवान, यूएस या इनफैक्ट इसराइल के बारे में भी, कि वहां के जो लोग हैं वो अपने देश के आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो नेशनलिज्म का फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ जा रहा। वहीं अगर आप बात करेंगे भारत का, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि भारत में तकरीबन सभी गांव, सभी कस्बों में अगर आप कॉलेज गोइंग लड़कों से अगर आप पूछेंगे कि उनका क्या सपना है, तो वो बढ़ चढ़कर यही कहेंगे कि उनका सपना बस एक ही है कि वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये फीलिंग्स अपने आप में काफी बड़ा होता है और इस फीलिंग्स का हमें इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब उस देश का किसी के साथ लड़ाई होता है। इसी आर्टिकल को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सर्वे कंडक्ट कराया गया उसमें 75% जो इंडियंस है वो अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए चाइना के बारे में तो 71% लोग यहां पे इच्छुक है अपने देश के लिए लड़ने के लिए, और अगर वहीं पे बात किया जाए पाकिस्तान के बारे में तो 89% लोग वहां पे इच्छुक है अपने देश के लिए लड़ने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो अपने देश के लिए लड़ने का फीलिंग्स है वो पाकिस्तान में भी काफी हाई है। ये सब आर्टिकल्स पढ़ के हमें काफी प्राउड महसूस होता है अपने ऊपर, लेकिन बुरा तब लगता है जब गवर्नमेंट कोई एक ऐसा स्कीम या कोई एक ऐसा प्रपोजल लेके आते हैं जो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इनफैक्ट ऑन पेपर्स भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जब से इस अग्निवीर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, तब से मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के सख्त विरोध में हैं। और इनफैक्ट ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो स्कीम है ये कंप्लीट तरीके से जो हमारा इंडियन आर्मी का जो स्ट्रेंथ है उसको डिग्रेड करेगा। कहने का मतलब है कि नॉर्मली अगर आप किसी भी चीज में एक अच्छा कमांड बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको उस चीज में 5 से 6 साल आपको समय बिताने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप इसको ऑन पेपर्स भी पढ़ेंगे तो किसी भी तरीके से आपको ये सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है कि 75% जो रिक्रूटेड जवान्स रहेंगे उनको सर्विस से रिलीज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन आर्मी या जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है, ऐसे स्कीम आने के बाद जो मोरल है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा। सो जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि हमारे जो आसपास का जो घटना होता है उसे बहुत ही प्रिसाइज तरीके से ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा, जहां पे लगभग ये 2.5 साल होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि शायद ये रशिया भी कभी अज्यूम नहीं किया था कि ये वॉर 2.5 साल तक आगे बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर बात किया जाए यूक्रेन का, तो बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के द्वारा। इसी बीच जैसा कि हम सभी को पता है कि रशिया काफी एक स्ट्रांग देश है और शायद ये इकलौता देश है जो यूएस को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है। लेकिन इसी बीच ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स आए या आर्टिकल्स हमारे सामने आए जहां पे ये मालूम पड़ा कि जबरदस्ती के लोगों को अलग अलग देशों से रशिया में भेजा गया, जहां पे उनके साथ चीटिंग की गई। कहने का मतलब है कि उनको ये बताया गया कि आपको रशिया में जॉब मिलेगा, और जब वो लोग रशिया पहुंचते हैं तो उनको जबरदस्ती का रशियन आर्मी में रिक्रूट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहां से भी आपको समझ में आता है, नो डाउट आज के डेट में एडवांस वेपन्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आप इस चीज से कभी डिनाई ही नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस अगर कम हो जाए तो आप वॉर जीत लेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें यूक्रेन का, तो यूक्रेन को अपने जेल से क्रिमिनल्स को रिलीज करना पड़ा और इनको मिलिट्री में रिक्रूट करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि यहां से भी हम समझ सकते हैं कि एक टेम्पररी आर्मी और एक परमानेंट आर्मी में क्या डिफरेंस होता है। सपोज कीजिए कि आप किसी भी काम को 20 साल से करते हुए आ रहे हो, तो उस चीज में जो आपका एक्सपर्टीज है उसका कोई मैच हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा जिसके पास सिर्फ 1 या 2 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस है, वो कभी भी 20 साल वालों के साथ मैच नहीं कर सकता है। और जब इस न्यू रिक्रूट को ये पता है कि ये आर्मी में बस 5 साल ही स्पेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर का जो इच्छा है या जो देश के लिए बलिदान देने का इच्छा है, वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे सामने काफी पर्याप्त हैं, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों भारत में अग्निवीर जैसा स्कीम एक कंप्लीट तरीके से डिजास्टर है, और जो फीलिंग्स हम भारतीयों के अंदर में है अपने देश की सेवा के लिए, ये क्यों जरूरी है। उसके बाद एक चीज जो मुझे एज ए स्टूडेंट काफी बुरा लगता है पढ़ने पे, वो ये लगता है कि जिस तरीके से हम
भारतीय लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या इनफैक्ट इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। लेकिन इन सारे जो लेगेसी है, इनके जो ब्रेवरी के जो कहानियां है, वो कहीं ना कहीं किताबों में दब गई है। और सबसे अजीब तब लगता है जब हमारे आज के पॉलिटिशियंस इन सब कहानियों को हमें बताना भी नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से बहादुरी का प्रदर्शन किया गया है हम भारतीयों के द्वारा, अगर इसका 10% भी अगर दुनिया के किसी और देश के लोगों के द्वारा किया गया होता, तो शायद इतने सारे उनपे मूवीज बन जाते हैं कि हम भारतीय भी पानी पी पी के उनके बारे में तारीफ करते हैं। लेकिन जो अचीवमेंट या जो सेक्रीफाइस हम भारतीयों का है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस अचीवमेंट को हम खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर रखूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एडोल्फ हिटलर ने ज्यूइश के साथ किया था, आज भी इसराइल उस होलोकॉस्ट डे को मनाता है। वहीं पे अगर बात किया जाए चाइना के बारे में, तो चाइना जिस तरीके से पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लाता है, फिर टू चाइल्ड पॉलिसी लाता है और फिर थ्री चाइल्ड पॉलिसी लाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पूरे चाइना के सोसाइटी से अपने देश के लिए जो कुछ कर गुजरने का जो फीलिंग्स है वो कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया। और उसके बाद चाइना जिस तरीके से अपने इकोनॉमी पे टू मच फोकस कर लिया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो जनरेशन है इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली फीलिंग्स ही आती है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि हमारे देश में इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है तो हमारा देश का जो डेवलपमेंट है वो खूब होगा। कहने का मतलब है कि जब तक ओवरऑल डेवलपमेंट ना हो जहां पे प्रॉपर तरीके से पैरामिलिट्री का रिक्रूटमेंट हो या आर्मी का रिक्रूटमेंट हो या ओवरऑल हर तरीके से जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, तब तक उस देश का जो डेवलपमेंट है वो कभी हो ही नहीं सकता है। और साथ में अगर बात किया जाए यूएस मिलिट्री के बारे में, तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि यूएस को बीते कुछ सालों में रिक्रूटमेंट में काफी प्रॉब्लम हो रहा, और इस चीज को बकायदा यूएस मिलिट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो भी मानते हैं। और यूएस के अंदर ये प्रोविजन है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो यूएस मिलिट्री में सर्व कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरह से आपको प्रलोभन दिया जाता है, जहां पे अगर आप यूएस मिलिट्री को सर्व करेंगे तो आप यूएस का सिटीजन बन जाएंगे। तो यहां पे जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो कंप्लीट तरीके से मिसिंग है और एक कंप्लीट तरीके से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है। साथ में बहुत सारे देशों ने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है या जो स्टैंडर्ड है उसको काफी डिग्रेड किया है। लेकिन वहीं पे अगर भारत की बात की जाए, तो भारत में हर साल जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है या जो टफनेस है वो हर साल बढ़ता हुआ जा रहा। तो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट हमारे इंडियन आर्मी या हमारे पैरामिलिट्री करेंगे, उस स्टैंडर्ड का आपको यूएस मिलिट्री में या दुनिया के और किसी देश के मिलिट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक फीलिंग्स है जहां पे हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस फीलिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और रिस्पेक्ट दिया जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।